गाइस, तो अब मैं मतलब सब कुछ अपना, तो गाइस रात का है मेरा फाइनल लुक ये। तो मम्मी हम किस चीज का वेट कर रहे हैं यहाँ पर? चांद का। चांद अब हम यहाँ पर अर्घ देने के लिए सूर्य देव को पानी चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। बोलो बोले गाइस, अब हम खाना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अब मैं यहाँ पर जैसे सरगी करते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे चाय बना रही थी मम्मी के लिए। और ये देखो, आंखें भी नहीं खुल रही हैं मेरी, पर क्या करें, उठना पड़ता है। ये देखो मेरी मेहंदी। और अब हम यहाँ पर सरगी की तैयारी कर रहे थे, सुबह 4 बज रहे थे और मैं अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ। ये देखो हमारी सरगी में मतलब कुछ ज़्यादा, हमारे ना बस मेन होता है चूरमा, तो चूरमा तो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो भी खाना ज़रूरी होता है। तो गाइस आज है करवा चौथ और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज सब अपना करवा चौथ अच्छे से मनाना, और अब मैं आपको आगे मिलती हूँ अपना सारा काम ख़त्म करके। फिर मैं नहा धो के तैयार होके फिर मैं आप लोगों को सबको दिखाती हूँ हमारे यहाँ पर करवा चौथ पर क्या क्या होता है, कैसे पूजा होती है, ये सब मैं आपको थोड़ी देर बाद अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो गाइस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब देखना आप आगे हमारे कैसे पूजा होती है, क्या क्या होता है। और ये देखो मेरी चूड़ियाँ, मेरी मेहंदी, और बताना सब लोग मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब आगे देखना, नेक्स्ट मतलब आगे जो भी आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगी हमारे कैसे कैसे क्या क्या पूजा होती है। मम्मा कैची लग रही है, कैची लग रही है मम्मा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्या क्या होता है हमारे यहाँ पर करवा चौथ वाले दिन। तो बने रहे आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही, और आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी साड़ी कैसी लग रही है, और पूरा लुक मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और गाइस अब हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं और मम्मी यहाँ पर मतलब जो करवा होता है उसमें नाल वगैरह बांध रही हैं और मुझे बता रही हैं कि क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। और मैं मम्मी के हाथ पे अब कलावा कलावा बांध रही हूँ। तो अब आके देखो आप। और मम्मी अब यहाँ पर कहानी सुना रही है और ये बहुत परेशान कर रही थी बीच बीच में, कभी कुछ उठा रही थी कभी कुछ उठा रही थी, बोल रही थी इवाना ही लेगी सब कुछ। तो फिर बीच बीच में ये देखो ये कुछ कुछ उठा 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 के लेके ही जा रही थी। इसने हमें मतलब शांति से पूजा भी नहीं करने दी है।
अब हम यहाँ पर अर्घ देने के लिए सूर्य देव को पानी चढ़ाने के लिए जा रहे हैं और इस तरफ है सूरज। और गाइज ये साड़ी इतनी हैवी थी कि मुझसे ये संभल ही नहीं रही थी। और मैं तो बस ये सोच रही थी जल्दी से पूजा करूं और अपनी साड़ी को चेंज कर लूं मैं। फिर मैंने चेंज करके अपनी दूसरी साड़ी पहनी और पर ये साड़ी बहुत ही हैवी थी गाइज। मेरे पे सर पे पल्ला भी नहीं रखा जा रहा। तो अब देखो हम सूर्य को पानी दे रहे हैं और अपने वो चावल होते हैं ना, चावल आधा चावल रात के लिए रख लेते हैं, आधा चावल दिन में ही सूर्य पानी देते हैं जब चढ़ाते हैं, तो वो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं। और गाइज ये मेरी चप्पल उठा के बोल रही है मम्मा चप्पल पहनो निकालो नहीं, तो ये बार बार चप्पल लेके आ रही है और बोल रही है मम्मा चप्पल पहनो। और अब हम यहाँ पर सूर्य को पानी दे रहे हैं और अपना चावल चढ़ा रहे हैं, आधा चावल सूर्य को चढ़ा रहे हैं। तो और हाँ गाइस ये साड़ी वही है जो मेरे को मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू मोम ने मुझे गिफ्ट दिलाई है। और एक चीज़ और दिलाई है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मुझे मेरी मम्मी जी ने मुझे मतलब मेरी मम्मी ने क्या दिलाया है। और मैं मम्मी के यहाँ पर पैर छूकर साड़ी और पूरा सिंगार का सामान मम्मी को दे रही हूँ। हेलो गाइस, तो अब मैं मतलब सब कुछ अपना करके खाना पीना बना के और अब मैं फिर से मतलब रेडी होने के लिए आ गई हूँ, तैयार हो रही हूँ। और मैंने सब कुछ कर दिया है, खाना बना दिया है। अब मेरी ये देखो दूसरी साड़ी, और ये साड़ी बिल्कुल हल्की है क्योंकि जो मैंने दिन में पहनी थी वो बहुत हैवी हो गई थी, तो इस वजह से मेरे से वो नहीं पहनी जा रही थी, तो मैंने फिर हल्की साड़ी निकाल ली, अपनी हल्की साड़ी पहन ली। और ये हाँ, और मैं बस सब चांद का वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज प्यास, तो अब वही ना चांद का वेट करते करते। ठीक है कोई बात नहीं, 8:30 बजे का वैसे भी टाइम है चांद आने का, तो अब देखते हैं कब तक आता है, मिलते हैं फिर बाद में। तो गाइस रात का है मेरा फाइनल लुक ये, और अभी मैं आपको ना पूरी साड़ी दिखाऊंगी अपनी। अभी मैं बाहर जाऊंगी ना जब चांद आएगा तब मैं आपको अपनी पूरा लुक दिखाऊंगी, और आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और अच्छी लग रही हूँ तो बताना आप मुझे ज़रूर। तो मम्मी हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं यहाँ पर? चांद का? चांद अभी आया ही नहीं, थोड़ी देर में आने वाले हैं। और गाइस हम इधर चांद का वेट कर रहे हैं, मैं और मम्मी। अगर चांद आ जाए तो हम खाना खा ले, हमें भूख लग रही है। और गाइस हम यहाँ पर अर्घ देने के लिए आए हैं और यहाँ की आज ही लाइट खराब हो गई है और मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ, पर क्या कर सकते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत तो रिकॉर्ड हो ही गया और मतलब आ ही गया लाइट। वो वैसे तो जल रही थी लेकिन क्या करें, वो लुक जुब कर रही थी, उससे समझ नहीं आ रहा है। और एक अंकल हैं उन्होंने बोला कि चलो मैं अपनी फ़ोन की लाइट जला लेता हूँ तो तुम बना लो वीडियो। फिर जब हमने वीडियो बनाई और जो सोचा था मैंने वैसा हुआ नहीं, बट क्या करें। तो फिर हम अपना करके अर्घ वर्घ देकर और हम आ गए वापस अपने घर, क्योंकि जो मैंने छलनी वलनी लाई थी मैंने उसका करने का सोचा था, वो मेरा हुआ नहीं। और मैं इनके पैर छू रही थी, पापा कुछ बोल रहे थे तो मुझे हंसी आ गई। बोल दे गाइस अब हम खाना खा रहे हैं। नहीं खाओ